देश 16 लाख करोड़ तेल ईंधन का आयात कर रहा है और इस लागत को कम करने के लिए बायो सीएनजी ग्रीन हाइड्रोजन का अत्यधिक उपयोग किया जाना चाहिए। अगर सौर ऊर्जा की मदद से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है तो उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में अपील की कि हरा हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और चूंकि हरे हाइड्रोजन का उत्पादन बायोमास से होता है, इसलिए किसानों को इस हरे हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहिए। वे अखिल भारतीय अक्षय ऊर्जा संघ के नागपुर मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी मोर्चा के महानिदेशक रविन्द्र जगताप मुख्य रूप से उपस्थित थे। गडकरी ने बताया कि अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का योगदान महत्वपूर्ण है और ऊर्जा बास्केट में 40% से अधिक का योगदान है और 250 गीगावाट की क्षमता सौर ऊर्जा में है। 7,80,000 करोड़ का निवेश और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सोलर कुकर और सोलर चूल जैसी पहल शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि महावितरण कंपनियों के वितरण में 10,00,000 करोड़ से अधिक का वितरण घाटा हुआ है, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष बिजली प्रीपेड कार्ड जैसी व्यवस्था शुरू करने की योजना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।